सुनो, मैं बोल रहा था कि मेरे जूते भी ना फट गए हैं, तो मुझे भी नए शूज दिलवा दो। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? बीवी के पैसों से तुम्हें जूते खरीदने हैं? एक तो मैं तुम्हारा घर चलाती हूँ, ऊपर से तुम्हारे ये शौक भी पूरे करूँ। अगर तुम्हें इतने ही शौक पूरे करना है ना, तो जाके कमा लो और उसके बाद जो मन आए ना वो ले लेना। पता नहीं कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीवी के पैसे उड़ाना चाहते हो। यार हम बाहर आए हुए हैं और तुम मुझे हमेशा सुनाती क्यों रहती हो? मैं जो ढूंढ तो रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगी तब मैं कर लूंगा। बस बहुत सुन लिया मैंने कि तुम बहुत महीनों से नौकरी ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें नौकरी तो मिल नहीं रही है। और सच बात तो यह है कि तुम्हें घर में पड़े पड़े ना बीवी के पैसों पे ऐश करने की आदत लग गई है। नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। और एक बात बताओ, जब मैं जॉब करता था मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी होने दी? मैंने बस इसी अक्सर बोल दिया था कि तुम मुझे नए जूते दिलवा दो। तुम्हें जूते नहीं दिलवाने तो मत दिलवाओ, लेकिन ऐसे बेइज्जती मत करो। अच्छा तो अब तुम मुझे गिनवा रहे हो कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है? देखो हर पति ना अपनी पत्नी के लिए यही करता है, और मैं पहली पत्नी होंगी जो अपने पति के खर्चे उठा रही है। अच्छा वो मेरे पति होने का फर्ज था, तो तुम्हारा पत्नी होने का कोई फर्ज नहीं है क्या? आज अगर पैसे मैं नहीं कमाता तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? देखो मैं ना यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ, तुमसे लड़ने नहीं, तो चुपचाप ना मुझे शॉपिंग करने दो। जब पैसे आएंगे ना तब खुद ही खरीद लेना अपने जूते। और देखो यहाँ ना ये गंदी सी शक्ल बना के मत खड़े रहो, वरना लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया है। सुनो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? मैंने दो दो बैग पकड़ रखे हैं, ये नहीं कि एक बैग पकड़ लो। बैठ के खाने की आदत हो गई है ना तुम्हें, कुछ काम तो करना है नहीं, और वैसे भी तुम कोई काम तो करते हो नहीं, इससे अच्छा ये बैग ही उठा लो। यार तुम फिर शुरू हो गई, कोई मौका नहीं छोड़ती तुम मुझे जलील करने का। अरे तो सुनाओ नहीं तो क्या करूं? सारे पति ना अपनी पत्नियों के नखरे उठाते हैं, और मैं तुम्हारे नखरे, तुम्हारे खर्चे, और अब ये बैग भी उठाने पड़ रहे हैं। ये पकड़ो बैग। अरे यार अब एकदम से कहां से लाऊं नया मैनेजर, 10-15 दिन का टाइम तो देना चाहिए था। अरे एक मिनट रुकियो, अभिषेक। अरे तुषार भाई कैसा है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई सामने वाली कंपनी में ना जॉब के लिए आया था। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लगी नौकरी तेरी? नहीं भाई, अगर नौकरी लगी होती यहाँ उदास थोड़ी बैठा होता। अच्छा अभिषेक वैसे ना मेरे पास एक काम है, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो, कोई एतराज़ ना हो तो। भाई मुझे क्या एतराज़ होगा? वो एक्चुअली क्या है ना, जो मेरा मैनेजर था ना उसने एकदम से नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद से ना मैनेजमेंट रेस्टोरेंट का बहुत ख़राब हो चुका है। और तुझे तो पता ही है ना कि मुझे एक भरोसे वाले आदमी की ज़रूरत है, अगर तू मेरे पास काम करेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ भाई, लेकिन मैं पुराने मैनेजर को ना 40,000 देता था, लेकिन तुझे मैं 50,000 दे दूँगा अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्या हुआ, ये कम है? नहीं भाई बहुत है मेरे लिए। हाँ तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तू कल से ही रेस्टोरेंट ज्वाइन कर ले। ठीक है। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है भाई, मिलते हैं रेस्टोरेंट में। ठीक। अरे साक्षी तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हुई हो? अरे हुआ क्या बताओगी? अभिषेक तुम्हें पता है बॉस का फोन आया था, उन्होंने मुझे बिना नोटिस दिए जॉब से निकाल दिया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ना तुम्हारे पास जॉब है और ना मेरे पास, हम घर कैसे चलाएंगे? तो तुम घबरा क्यों रही हो, वैसे भी मेरी जॉब लग चुकी है और मेरी सैलरी पूरे 50,000 रुपए है। तुम बस घर संभालो, काम मैं देख लूंगा, चलो अंदर। सुनो मुझे माफ कर दो, जब मेरे पास नौकरी थी तब मैंने तुम्हें कितना शर्मिंदा किया, तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, पर आज जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारे बिहेवियर में इतना सा भी चेंज नहीं आया। मुझे समझ आ गया है, जब एक मर्द कमाता है ना तो वो अपने पूरे परिवार को संभालने की सोचता है, और जब एक औरत कमाती है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसे लगता है उसके बराबर कोई है ही नहीं। मुझे भी यही गलत फहमी हो गई थी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और है ना परिवार पति पत्नी के साथ होने से चलता है, अगर उसमें से एक भी कमजोर पड़ जाए ना
तो दूसरे को उसका साथ देना चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बस इतनी सी बात है, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारी बात का थोड़ी बुरा मानूंगा। अब चलो अंदर, सबको खुशखबरी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, पति पत्नी को ना एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए, एक दूसरे का साथी बनना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए, कमजोर समझना चाहिए। अगर पति पत्नी में से कोई एक बंदा भी कमाता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करो। और जब एक आदमी के पैसे कमाता है ना तो सोचता है कि पूरे घर को चलाऊंगा, और वहीं जब एक औरत पैसे कमाती है वो किसी को कुछ भी नहीं समझती, वो बस खुद पे ही पैसे उड़ाती है। हमेशा ना पति पत्नी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, सुख दुख में साथ देना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ जल्दी। राम राम।